Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Another day, another video. So for this video, I have something very special for you guys. This is not a normal Myntra haul. Isme we are going to talk about some neutrals because I've seen that neutrals specifically elevates your look. Neutrals make you look, you know, rich and you know, very put together and very chic. तो इसीलिए आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन सम वेरी नाइस न्यूट्रल्स ब्रांडेड न्यूट्रल्स ताकि यू नो दे स्टे विद मी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड दे एलिवेट माई लुक एंड बिफोर डाइविंग इन टू द वीडियो एंड यू नो एलिवेटिंग आर लुक नाउ स्टार्टिंग विद द हॉल दिस हॉल एज आई टोल्ड यू इज अबाउट न्यूट्रल्स न्यूट्रल्स एंड न्यूट्रल्स एंड इसमें मैंने बहुत ही बेसिक सी चीजें ली हैं जो कि आप बहुत सारे वेज में स्टाइल कर सकते हो फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज अगर कोई मुझे इंस्टा पे फॉलो करता है दे मस्ट हैव ऑलरेडी सीन इट इट्स अ शर्ट ड्रेस ये मैंने H&M से मंगाई है मतलब एवरीथिंग आई गॉट from Myntra but the brand is H&M तो उससे मैंने लिया है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी स्टेपल पीस दैट यू शुड हैव बिकॉज ये आप बहुत ज्यादा वेज में स्टाइल कर सकते हो प्लस इट्स अ प्रॉपर शर्ट ड्रेस इट्स नॉट कि मतलब शर्ट है थोड़ी सी लंबी हो गई इट्स अ प्रॉपर शर्ट ड्रेस तो ये पूरा लंबा नीचे तक आता है एंड इट लुक्स रियली नाइस यू कैन जस्ट सिंच योर वेस्ट यूजिंग अ बेल्ट और यू नो देर आर थाउजेंड वेज टू स्टाइल इट आई शो यू हाउ आई स्टाइल इट राइट ओवर हियर जब मैं लकी अली के कॉन्सर्ट में गई थी आई वोर दिस यू आई थिंक उसी दिन आया था एंड उसी दिन आई वोर इट सो या इट लुक्ड रियली नाइस एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एज वेल दिस इज द शर्ट इसका मटेरियल इज ऑल्सो वेरी ब्रीदेबल एंड लाइट बहुत ही यू नो लाइट वेट है आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कौन सा मटीरियल है बट आई रियली लाइक इट एंड इट फिट्स रियली नाइसली बहुत ही मतलब ज़्यादा लूज भी नहीं है ज़्यादा बैगी भी नहीं है इट फिट्स परफेक्टली जो मुझे जैसा चाहिए बिल्कुल वैसी ही शर्ट है एंड द साइज दैट आई गॉट इन दिस इज मीडियम एंड ये H&M की साइट पे भी था बट इट वॉज अ बिट एक्सपेंसिव ओवर देयर तो अगर थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए तो आप एब्सोल्युटली Myntra से ले सकते हो सो या आई रियली लाइक इट एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू वेयर इट इन डिफरेंट वेज आई थिंक इट वॉज ऑल्सो बिट एक्सपेंसिव तो ये मुझे पड़ा है 2000 रुपीज का सो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है जो अगर यू नो द पीपल हु डोंट स्पेंड मच ऑन क्लोथ्स उनके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा बट इफ यू जस्ट टेक इट इट विल लास्ट यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम प्लस यू कैन स्टाइल इट इन मल्टीपल वेज वैसे भी वाइट शर्ट स्टाइल करने के तरीके बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने बताए हैं सो या इट कैन बी अ वेरी वर्सेटाइल पीस टू हैव सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज अ नॉर्मल वेस्ट टॉप इट्स अ क्रॉप टॉप वैसे एंड इट इज वेरी वेरी कॉमन आई थिंक बहुत सारे लोगों के पास ऐसा है मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है दिस इज इट ये भी मैंने बहुत ही प्यारे बेज कलर में लिया है आई रियली लाइक द पैटर्न आई रियली लाइक द मटीरियल इट्स अ थिक मटीरियल तो यू नो सी थ्रू नहीं है इट्स अ वेरी गुड मटीरियल तो ये भी H&M से है एंड द साइज दैट आई गॉट इज S इसमें एंड इट्स फिट्स मी परफेक्टली आर अ थाउजेंड वेज जिसमें आप स्टाइल कर सकते हो इसको लेट मी नो इफ यू वांट मी टू मेक अ रील ऑन इट दिस वन आई गॉट फॉर 600 बट अभी MRP में इट इज 799 रुपीज रिमाइंडिंग यू दैट आई बॉट इट व्हाइल देयर वाज अ सेल गोइंग ऑन इन Myntra तो मुझे थोड़े से डिस्काउंटेड प्राइस में प्रोडक्ट्स मिले हैं बट अभी सिंस देयर इज नो सेल तो कुछ प्रोडक्ट्स का प्राइस थोड़ा हाई हो सकता है बट आई एम टेलिंग यू द प्राइसेस जो मैंने पे किए सो दिस वन वॉज फॉर 600 रुपीज अभी द MRP इज 799 आई थिंक इस पीस के बहुत सारे चीपर ऑप्शंस यू विल गेट बट द मटेरियल एंड द क्वालिटी विल नॉट बी यू नो अप टू द मार्क एज पर H&M बट द थर्ड थिंग दैट आई गॉट इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट पेयर ऑफ पैंट्स एंड आई गॉट इट नाउ ये देखने में व्हाइट लग रहा होगा आई थिंक कैमरे पे बट इट इज अ वेरी लाइट क्रीमिश टोन फिट्स मी लाइक अ ग्लव एंड इट लुक्स रियली रियली नाइस ये पेयर्ड विद द H&M का टॉप लुक्स परफेक्ट मतलब मैंने एक्चुअली अपने दिमाग में थोड़ा सा बना के ही यू नो ऑर्डर किया था चीज़ें तो वो ड्रेस तो एज अ ड्रेस जाएगी दिस आई पेयर्ड इट अप विद द H&M का टॉप एंड बॉट एंड देन देयर इज अनदर सेट दैट आई ऑर्डर्ड सेट वाइज तो इसीलिए मैं अपना दिमाग में हमेशा आउटफिट्स बनाते ही ऑर्डर करती हूँ सो दिस वन इज अ साइज US 8 एंड ये बहुत परफेक्टली मुझे फिट होता है ये टाइट नहीं है ये ढीला नहीं है एकदम परफेक्ट फिट है एंड दिस वन इज अगेन फ्रॉम H&M नाउ ये एक्चुअली मैंने H&M की साइट पे भी देखा था जब मुझे ऑर्डर करना था एंड H&M की साइट पे दिस वॉज नॉट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस बट देन अगेन वेन आई वेंट बैक टू Myntra एंड चेक द सेम प्राइस तो ये थोड़ा सा यू नो मुझे सस्ते में मिला है तो इसका MRP वॉज 1999 रुपीज एंड मुझे ये डिस्काउंट में मिला है 1599 का सो आई थिंक इट वॉज अ स्टील एंड ऐसे पैंट्स ना दीज आर सो कम्फर्टेबल मतलब समर्स के हिसाब से एंड द ओनली इशू विद दिस वन इज कि अगर किसी की हाइट मुझसे ज़्यादा है आई एम 5'3" अगर कोई मुझसे ज़्यादा है तो उनको थोड़ा सा ये छोटा हो सकता है बिकॉज मेरे भी थोड़ा सा ये एंकल लेंथ पे आ रहा है एंकल से भी थोड़ा सा आई थिंक ऊपर है बट इट वर्क्स इट लुक्स रियली नाइस उस लेंथ पे बट कोई अगर मुझसे लंबा होगा तो उसके लिए ये थोड़ा सा और छोटा हो सकता है सो या कीप दैट इन माइंड वाइल ऑर्डर सो द नेक्स्ट टॉप दैट आई गॉट इज नॉट स्पेसिफिकली न्यूट्रल्स की कैटेगरी में आई डोंट नो आएगा कि नहीं इट्स अ वाइट टॉप विद सम फ्लोरल
pattern on it. So neutrals तो नहीं होगा वो, but I really liked it and I wanted to pair it with the next thing that I got. इसीलिए मैंने ये लिया है. So it's a basic crop top. This is from a brand called Casually. की K से start हो रहा है. So and the size that I got is medium. I really liked it. It fits me perfectly. Again, medium size मुझे बहुत अच्छे से fit हो रहा है. And I was a bit skeptical before ordering it because of the cup size right over here. बहुत सारे ड्रेसेस में ऐसा होता है कि कप साइज फिट नहीं हो पाता है, बट दिस वन फिट्स परफेक्टली. सो आई रियली लाइक दिट. एंड थोड़ा सा यू नो, इफ यू स्टाइल इट विद अ न्यूट्रल बॉटम वेयर, देन आई थिंक इट कैन काउंट एज अ ओवरऑल न्यूट्रल लुक. सो इसीलिए मैंने ये लिया है. नाउ कमिंग टू द प्राइस दैट आई पेड फॉर इट, अगेन इसका MRP वॉज 1399, बट ये अभी भी डिस्काउंट पे है. इट इज़ फॉर 699 rupees ओनली. तो 50% ऑफ पे चल रहा है ये अभी. तो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट योर हैंड्स ऑन इट, यू कैन डेफिनेटली गो हैड. बहुत ही कंफर्टेबल एंड बहुत ही समर फ्रेंडली अगेन ये है. इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है. तो कमिंग टू द लास्ट पीस दैट आई गॉट, अगेन मैंने सोचा कि मैं पैंट्स ले रही हूँ तो आई शुड ऑल्सो गेट माई हैंड्स ऑन अ न्यूट्रल स्कर्ट, क्योंकि स्कर्ट्स ऑफिशियली यू नो, अगर आप देखो अगर कहीं पे ऑफिस पे जाना हो या समथिंग, यू नीड अ गुड पेयर ऑफ स्कर्ट्स, बिकॉज स्कर्ट्स आर वेरी स्मार्ट फॉर्मल्स एंड यू नो बहुत ही अच्छे लगते हो. इंस्टेंटली लिफ्ट्स योर यू नो लुक ऑल टुगेदर. तो अगर एक बहुत ही कंफर्टेबल एंड येट वेल फिटेड स्कर्ट यू आर वेयरिंग इन योर ऑफिस, इट लुक्स रियली नाइस एंड शीक. तो इसलिए आई डिसाइडेड टू गो अहेड विद दिस वन. दिस वन इज फ्रॉम मैंगो एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. प्रॉपर यू नो इट्स अ फॉर्मल स्कर्ट स्कर्ट. यहाँ पे इसमें बस एक चीज़ है कि इसमें फ्रंट में कट है. So it has a slit right over here सामने and it looks really nice. Slit ज़्यादा ऊँचा भी नहीं है, so it's a perfect length का skirt. ये knee length से नीचे जाएगा आपके and I really like the color again. And it also comes with a belt. Belt मुझे अच्छी नहीं लगी, मतलब mango के हिसाब से it looks like a very cheap belt if you see. यहाँ पे you know it just feels cheap. तो बेल्ट मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बट या साथ में इट गोज टुगेदर एंड दिस वन आई कैन पेयर विद दैट टॉप एंड यू नो मेक इट लाइक अ कैजुअल लुक एज वेल. बट इफ यू वांट टू वेयर इट विद अ वाइट शर्ट यू कैन डू दैट एज वेल. बिल्कुल ही फॉर्मल लुक हो जाएगा, स्मार्ट फॉर्मल्स एंड यू लुक रियली नाइस ऑन इट. नाउ इसका द साइज दैट आई गॉट इज 30, सो इट फिट्स मी परफेक्टली. कोई मेरे साइज का है तो दे कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय 30. तो इसका MRP, आई थिंक दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पीस दैट आई गॉट. इसका MRP इज 3590 rupees, बट I paid 1453 for it. तो सेल में आई गॉट इट एट अ मच डिस्काउंटेड प्राइस एंड आई वॉज सो हैप्पी वेन आई फाउंड इट, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया था एंड नाउ ऑल्सो इट इज़ ऑन डिस्काउंट. तो अभी द प्राइस इज 1974 rupees. तो हाँ, थोड़ा सा बढ़ गया है प्राइस, लेकिन अभी भी MRP से कम है. So if you want your hands on it, you can definitely go ahead and buy this. That's it for the video guys. I hope you liked it. If you did, please like, share and subscribe to my channel. Also press the bell icon to never miss a video from my channel. And thank you so much for subscribing. Also if you have any video suggestions for me, you can comment it down in the comment box right over here. I go through all my comments. So bas comment kar do. Koi bhi video chahiye, just comment it. And I will be back with that video. So that's it guys. See you next time.